हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग क्या लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे। किसी को पैसे देंगे और उससे क्या लेंगे, ब्याज लेंगे वापस। ब्याज बोलते बेटा किसको, किसी को आपने जैसे अमाउंट दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देना। जैसे बैंक आपको जैसे लोन लेते हो आप, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है 5% का, 2% का, 10% का, 12% का। तो आपको फिर उतना परसेंटेज उसको क्या देना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बेटा इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जल्दी से। देखिए, व्हेन वी डिपॉजिट अवर मनी इन अ बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, देन दे विल गिव अस एडिशनल मनी ऑन अवर मनी, और व्हेन वी टेक सम मनी फ्रॉम बैंक देन वी पे सम एडिशनल मनी ऑन इट, दिस एडिशनल मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। देखो बेटा क्या बोला गया है कि हम लोग अपना अमाउंट कहाँ पर रखते हैं बेटा, बैंक में रखते हैं, फिर किसी अदर इंडस्ट्रीज में रखते हैं। ठीक है, तो हमारा पैसा जो वहाँ पर रखा है तो वो बैंक या वो इंडस्ट्री हमें क्या करता है बेटा, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है जब हम लोग वो पैसे निकालते हैं। ठीक है, या फिर अगर जो हम लोग बैंक से पैसा ले रहे हैं तो हमसे एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है जब हम उसको वापस पे करते हैं। तो उसी जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो ये है बेटा हमारा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, द एडिशनल मनी विच इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल मनी इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। जो ये एडिशनल मनी है बेटा, अगर जो हम लोग इसको अपना क्या करें बेटा, ओरिजिनल मनी के कंपैरिजन में इसको कैलकुलेट करें, तो वही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, ये हमारा क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, अमाउंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया बेटा, क्या बोला गया है कि फाइंड द इंटरेस्ट 8000 फॉर वन ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। देखो 5% बेटा पर एनम है, यानी कि हमारा क्या हो गया बेटा, रेट कितना हो गया 5% हो गया, टाइम कितना हो गया 1 ईयर हो गया, और 8000 रुपीज़ है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा 8000, रेट कितना हो गया 5% दिया था तो 5, और 1 ईयर के लिए दिया तो डिवाइडेड बाय 100, तो बेटा क्या होगा, वो हमें 400 रुपीज़ एज एन इंटरेस्ट के तौर पर एक्स्ट्रा पे करेगा। उसने 8000 रुपीज़ लिए थे तो वो रिटर्न करते टाइम बेटा 8400 रुपीज़ हमें देगा। ओके बच्चे, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे क्या है क्वेश्चंस की, अब हमारे क्या जाएंगे बेटा, इसी तरीके के हमारे क्वेश्चंस है जो कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर करने हैं। जैसे देखो बेटा इस चैप्टर के अंदर करने हैं, देखो 3600 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। देखो 3600 रुपीज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम और 3 ईयर की बात होगी। ठीक है बेटा, तो 8 × 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो 3600। ठीक है बेटा, प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8 × 3 और प्लस क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, टाइम कितना है पर एनम यानी कि पर ईयर। ओके, 8% है आज। देखो बेटा परसेंट तो 8 ही रहेगा ना, परसेंट तो 8 ही रहेगा, 1 × 3 ईयर होगा और 3600 हमारे पास में टाइम है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। देखो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 + 8 कितना होगा 3600 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 100, तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 3611 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 36.11 रुपीज़ बेटा वो हमको क्या देगा, ज़्यादा पे करेगा 3 ईयर के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। देखो इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ऊपर, राइट, हमारा क्या था बेटा मल्टीप्लाई था, मैं वही तो सोचो कि हमने कुछ फॉर्मूले में गलती कर दी, सॉरी बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3600 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100, तो ये 00 से 00 कट हो जाएगी और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 26 36 मल्टीप्लाई बाय 24,
तो यहाँ से क्या जाएगा देखो, मल्टीप्लाई कर दो 36 और 24 की, 24 का 4 2 कैरी, 12 और 2 14, 12 का 2 1 कैरी, 3 और 1 7, 4 6 8, तो बेटा क्या हो जाएगा 864 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा पे करेगा बेटा, कब, 3 ईयर के बाद में, जब वो 3600 रुपीज़ रिटर्न करेगा, ठीक है। 400 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम 5 ईयर के लिए, ठीक है, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इतने अमाउंट हम लोगों को दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। आगे मूव करते हैं, फाइंड आउट द SI एंड अमाउंट। हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, 7% पर एनम, ये भी वैसे ही होगा बेटा। कंप्लीट थियोरटिकल पोर्शन दिया है, देखो, राकेश डिपॉजिट 8000 इन अ बैंक विच प्लेज इंटरेस्ट एट दी 6% पर एनम, हाउ मच मनी विल शी गेट एट दी एंड ऑफ दी 4 ईयर। तो देखो बेटा, 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है हर एक क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा आपको अलग क्वेश्चन दे दिया, क्या देखो, राघव गिव 8000 टू मीरा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड 12000 टू रामा एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 5 ईयर, हु विल पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। देखो बेटा, दोनों के लिए 5-5 साल के लिए दिया है। अब देखो मैं इसको निकाल कर, राघव के लिए कितना है, 8000 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा, पर एनम के लिए क्या है बेटा, 10% है तो 5 ईयर हो गया, डिवाइडेड बाय 100, इसको कट कर देंगे, यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, क्या जाएगा 50, 5 4 40, 5 8 40 और 0 और एक 0 ही आ जाएगा। 4000 रुपीज़ तो कौन पे करेगा बेटा, राघव पे करेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पे। और हमारे क्या है, और किसने लिया बेटा, ये रामा, रामा ने बेटा 12000 रुपीज़ लिए हैं, मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, 8% पर 5 ईयर के लिए, डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कट, यहाँ पर क्या जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा बेटा 60 मल्टीप्लाई बाय 8, तो एक 8 6 48 4800 रुपीज़, इतने रुपीज़ बेटा कौन देगा, रामा देगा। तो मोर इंटरेस्ट कौन देगा बेटा, रामा देगा, वो भी कितने रुपीज़, 800 रुपीज़ ज़्यादा, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोगों को ये सभी के सभी क्वेश्चंस सोल्व कर लेने हैं। आगे मूव करते हैं, देखो हमारा क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिया। देखो अमाउंट इक्वल्स टू हमारा क्या होता है बेटा, हमारा क्या होता है इंटरेस्ट, देखो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, ऊपर आ जाओ, देखो ये रहा फॉर्मूला हमारे पास में, अमाउंट इक्वल्स टू क्या रहता है, इंटरेस्ट माइनस क्या रहेगा, अमाउंट इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखो ऊपर आओ जल्दी से, फॉर्मूला कहाँ पर है अपना, कहाँ लिखा है फॉर्मूला, देखो ये रहा, अमाउंट इक्वल्स टू ये रहा, देखो प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, प्रिंसिपल प्लस SI आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा यहाँ पर, प्रिंसिपल प्लस SI आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, है ना। इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या जाएगा बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय क्या जाएगा बेटा, हमारा परसेंटेज जो है कितने परसेंट पे दिया, डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। द इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन दी थ्री फैक्टर्स, नेमली पहला फैक्टर क्या बेटा, प्रिंसिपल, दूसरा फैक्टर क्या बेटा, कितने परसेंटेज पर दिया है, और तीसरा फैक्टर कितने टाइम के लिए दिया है बेटा। ओके, देखिए प्रिंसिपल हमारा ये है, इंटरेस्ट हमारा ये है, अमाउंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो प्रिंसिपल हमारा ये, इंटरेस्ट हमारा ये है, दोनों को ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 1750, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, इंटरेस्ट और अमाउंट पता है, तो इंटरेस्ट माइनस अमाउंट कर दो बेटा, प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखो क्या बेटा, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो ही फॉर्मूले से ये कंप्लीट चार्ज आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे देखो हमारा क्या जाएगा, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, और टाइम हम लोगों को पता नहीं है। जैसे देखो इंटरेस्ट हमें पता है, ठीक है, देखो इतना ये पता है, ये पता है, इंटरेस्ट पता है, अमाउंट हम लोगों को पता नहीं है, और टाइम भी हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, अब प्रिंसिपल नहीं पता, रेट पता है, इंटरेस्ट पता है,
ठीक है, अमाउंट और कितने टाइम के लिए पता है ये भी पता है बेटा। तो यहाँ से हमें इस टेबल को हमारा क्या बेटा इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या था हमारा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100 था, तो उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करके यहाँ से बेटा निकाल लेंगे। आगे मूव करते हैं, आगे क्या जाता है द सिंबल ऑफ परसेंटेज, क्या होता है बेटा परसेंटेज का सिंबल ये रहा। द एडिशनल मनी इज कॉल्ड, हमारे क्या कहलाते हैं बेटा एडिशनल मनी हमारी इंटरेस्ट कहलाती है। कन्वर्ट इन टू मीटर पर सेकेंड, हमें मीटर पर सेकेंड में बेटा कन्वर्ट करना है, तो 5/18 कर देंगे, ठीक है 5/18 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, हमें इनको क्या है एज एन परसेंटेज के तौर पे एक्सप्रेस करना है। 1/2 क्या हो जाएगा बेटा 50% हो जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 33% ऑफ 300, 300 का बेटा 33% फाइंड आउट करना है, तो 300 का 33% कितना होगा 300 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, है ना, सॉरी क्या होगा देखो 300 का 33% बेटा कितना होगा, देखो 300 को पहले 100 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा बेटा कट क्या जाएगा 3, और 33 मल्टीप्लाई बाय 33 मल्टीप्लाई 33 कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा ये 99। तो बेटा क्या है 300 का 33% कितना होगा बेटा 99 होगा। ओके एन एरोप्लेन कवर्स आर डिस्टेंस ऑफ 4441.5 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ दिस, फाइंड द टाइम टेकन बाय, बेटा हमारा क्या होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है द कॉस्ट ऑफ अ कार इज इतने रुपए इन 2012, प्राइस ऑफ कार रिड्यूस बाय 40,000 इन 2013, फाइंड द रिड्यूस परसेंटेज ऑन द कार। देखो बेटा क्या बोला गया हमारा क्या है टू इतने रुपीज बेटा क्या थे प्राइस थे कार के, इतने रुपीज रिड्यूस हो गए है ना कार के ऊपर, तो बेटा हमारा क्या है पता लगाना फाइंड द रिड्यूस परसेंटेज ऑफ द कार, कार पर कितने परसेंटेज रिड्यूस हुए हैं, तो बेटा क्या कर दो इतने की कार थी इतने हमारे अमाउंट रिड्यूस हो गए तो 1% के वैल्यू निकाल लो और फिर उसके बाद में उससे हमारे क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, चलिए डिवाइड कर दो तो पता लग जाएगा कितने परसेंट रिड्यूस हुए हैं। दिव्या गिव 15,000 टू हिज फ्रेंड संजना एट द रेट ऑफ 8% इंटरेस्ट पर एनम एंड हर फ्रेंड संजना गिव दिस मनी टू महक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर, फाइंड द अर्निंग ऑफ संजना इन दिस ट्रांजेक्शन। अब इसमें संजना की कितनी अर्निंग होगी बेटा, देखो कितने थे 15,000 थे और उसने 10% 2 ईयर के लिए, देखो 15,000 है बेटा और उसने 10% पे 2 ईयर के लिए दिए हैं डिवाइडेड बाय 100, ये कट जाएगा ये कट जाएगा कितना होगा बेटा 30 यानी कि 3,000, तो बेटा कौन जो संजना है बेटा वो कितने रुपीज़ अर्न करेगी 3,000 रुपीज़ अर्न करेगी 2 ईयर में एज एन इंटरेस्ट के तौर पे। अ शॉपकीपर सोल्ड 15,400 एट अ प्रॉफिट ऑफ 250, एक टीवी उसने क्या है 15,400 का खरीदा था और उसको 2,050 रुपीज़ के प्रॉफिट पर बेच दिया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस क्या था बेटा, देखो उसने क्या किया टीवी सोल्ड अ टीवी, उसने देखो 15,400 का टीवी बेचा और उसे कितने का प्रॉफिट हुआ 2,050 का प्रॉफिट हुआ, तो 05331, तो बेटा उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था 13,350 रुपीज़। ठीक है बच्चे आगे मूव करते हैं, आगे इसी के साथ में हमारा चैप्टर खत्म हो गया और नेक्स्ट चैप्टर बेटा स्टार्ट होगा एरिया एंड वॉल्यूम। तो जितने क्वेश्चंस आप लोगों को बेटा इस चैप्टर में करने के लिए दिए हैं आप लोग उन क्वेश्चंस को बेटा कंप्लीटली कर लोगे। ओके बेटा तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम क्या बेटा टाइम एंड वॉल्यूम। ओके तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे बेटा। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, और आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर की तरह सिंपल इंटरेस्ट में भी। ओके बेटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।